हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, यह कहानी कोलकाता की एक भूतिया हवेली की कहानी है, जो कि बहुत ही रहस्यमयी कहानी है। यह हवेली राजा महाराजा के समय बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 25 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए ही नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्योंकि लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे थे। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पर किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोले, कौन हो आप और इधर कहाँ जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने का बजाय उसने सामने सवाल किया, जी आप कौन हैं? तभी वह सामने वाला व्यक्ति बोलता है, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यही पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ आपने सही सुना है, और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी मानो तो आप भी वापस लौट जाइए, यह बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। तभी अरिजीत सिंह कहता है, शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ, और अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जाऊँगा और सारे सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चला गया। अंदर जाके अजीत ने अपनी बैग उतारी और हवेली के चारों ओर देखने लगा, सारे रूम भी चेक कर लिया। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहाँ बैठकर दारू के दो चार पैक भी लगाए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सारे लाइटें चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर अजीत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और संपूर्ण सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा, करीब 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर जाकर चला गया, और वो टेबल वहीं जाकर गिरा जहां पर अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज़ में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर मुझसे बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई सामने आ गई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई कहती है, तुम्हारी भूल के कारण। यह सुनकर अजीत हैरान हो गया और कहता है, मैंने कौन सी भूल की? तभी परछाई कहता है, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता, क्योंकि आज से 25 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे
यहीं पर मारकर ही डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी, इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तभी वह भूतिया परछाई एक भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन तभी अजीत अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में इसने अपनी जेब से सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत के सामने फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वह भूत जलने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, और बाद में पूरी तरह से वह भूत जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते हुए अर्जुन देखकर बहुत हैरान हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम जिंदा कैसे हो? जब अजीत ने अर्जुन को कल रात को घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।